Hey, good morning guys. Welcome back to our new vlog. So, आज का vlog थोड़ा special होने वाला है क्योंकि आज हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से नई destination के लिए. जी हाँ guys, new destination. क्योंकि आपको पता है long weekend है तो हम लोग mostly hill station पे जाते हैं. तो इस बार हम लोग hill station पे नहीं जा रहे हैं और इस बार हम लोग जा रहे हैं जयपुर. जी guys, हम लोगों ने जयपुर आज तक explore नहीं किया है. मैं दो बार गया हूँ travel, मैंने दो बार जयपुर किया है, बट सुबह जाके शाम को वापस आ जाता था एंड दैट इज ओनली फॉर ऑफिस वर्क. बट इस बार हम लोग जा रहे हैं फैमिली के साथ ट्रैवल एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे पिंक सिटी को देखने के लिए कि वाकई में पिंक सिटी कितना पिंक नजर आता है. तो आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिए, आपको जैसे जैसे जर्नी कंटिन्यू होगी आपको दिखाते रहेंगे कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे आगे की चीजें. तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए. सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आरकेपुरम और अभी हम लोगों को लेना है यहाँ से पेट्रोल. तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे क्योंकि क्या है, आप लोग को बता दूं बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, दिल्ली से पेट्रोल जो है राजस्थान में 9 से 10 रुपए लीटर महंगा है. तो हम अपनी गाड़ी का टैंक यहीं से फुल करेंगे, मतलब गाड़ी को बिल्कुल ऊपर तक फुल करा देंगे टैंक को. और किधर लगाऊं किधर, सो ये देखिए ये रहा पेट्रोल पंप पे हम आ चुके हैं. डीजल नहीं है, पेट्रोल ही है. सो ये रहा पेट्रोल. सो देखिए यहाँ पे तो है 96.72 और राजस्थान में जो है वो है आपका 108 रुपए. मैं भी कल चेक कर रहा था तो 108 रुपए. तो हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 112 किलोमीटर का पेट्रोल है हमारे पास. सो हमने कहा टैंक को फुल करा लिया जाए यहाँ पे. उसको गाड़ी को करते बंद और यहाँ नीचे से खोलते हैं आप जाओ और वो निकाल दो. तो ये देखिए गाइस अभी तक आ चुका है 40 लीटर का टैंक है. देखते कितना आता है. अभी तक आ चुका है 35 लीटर. ये कट मार दिया है अब गाड़ी ने, अब देखते कितना और आएगा. कट लग चुका है 36 लीटर पे. ये टैंक फुल करा दिए और अभी गाड़ी में आ गए हैं पूरा 723 किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल आ चुका है. सो अब हो गया हमारा टैंक बिल्कुल फुल और हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट. हम लोगों ने 50 मिनट ड्राइव करके 40 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी जो जयपुर का जो डिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 254 किलोमीटर. 4 घंटे में हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे आराम से यार. सो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो हम लोगों ने बाबा जी की आरती से जर्नी स्टार्ट करी. हम लोग जब भी सुबह सुबह कहीं निकलते हैं रास्ते में होते हैं तो ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि बाबा जी की आरती सुन लें. तो उससे क्या है कि अच्छी दिन की शुरुआत होगी तो दिन पूरा अच्छा जाएगा. सो अभी हम लोग बस धोला कुआं तो नहीं, हाँ एयरपोर्ट की तरफ पहुंच के फिर गुड़गांव होते हुए विल गो टू जयपुर. सो एक रास्ता और दिखा रहा था हमारे घर के पास से, दैट वॉज अगर हम पेरीफेरल पकड़ते हैं वहाँ से तो सीधा पलवल मानेसर निकलते राइट. तो हम लोगों ने बट बोला कि वो यार वो 60-70 किलोमीटर लंबा रास्ता है तो हमने कहा कि इट्स बेटर कि हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं. सुबह के 7:20 और हमें 2-2.5 घंटे हो गए कार चलाते हुए.
अब सोचे कहाँ रुकना है। देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ढाबे तो आ रहे हैं, देखते कहाँ ये रुकते हैं। होटल हाईवे एक्सप्रेस, होटल हाईवे किंग मुझे अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ रुकते हैं होटल हाईवे किंग पे। ये देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, चूक ना जाना किंग का खाना। गाड़ी पार्किंग पे लगाते हैं। भाई को उठाओ, भैया को उठाओ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैक्ट्री आउटलेट भी हैं। सो गाइस वापस आ चुका है कैमरा मेरे पास। धीरे से खुलेगी। ये होटल का नाम क्या है? लो मैं दिखाता हूँ, इसका नाम है चूक न जाना होटल हाईवे किंग। अरे क्या बता, सुबह सुबह मम्मी वेट कर रही। बेटा आओ। तो ये गाइस देखिए यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, फैक्ट्री आउटलेट हैं। तो अगर कुछ शॉपिंग करना है तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। बट हमको तो लग रहा है भूख, हम तो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ठीक है, इन जंपिंग जापान टेम्पोलिन पार्क के क्रिकेट के लिए तो काफ़ी अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स वाले चीज़ें हैं यहाँ पे। क्रिकेट खेलने का शौक है तो क्रिकेट खेल सकते हो। शाम खेलेंगे क्या? हाँ मैं खेलता हूँ अभी, चल पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। जंपिंग जापान भी है, तो जंपिंग मैं जाऊंगा। स्वीट जिंजर फैक्ट्री आउटलेट, ये देखिए। तो स्वीटी यहाँ वेट कर रही है। स्वीटी अप टू 50% ऑफ है यहाँ पे, देखो। बरिस्ता स्पेशल स्टार्टिंग एट 19। बरिस्ता का कोल्ड कॉफी भी भाई, मजा ही है, मजा है। चलो अंदर भी चलते हैं। यहाँ बरिस्ता है, यहाँ पे अंदर बैठने की जगह है। तो काफ़ी लोग बैठे यहाँ पे, मिड वे है आई थिंक जयपुर जाते। भाई देखिए आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। ये है पूरी भाजी, आलू प्याज पराठा, और ये भी आलू प्याज पराठा, और हमने एक मंगाया है डोसा भी। कंप्यूटिंग से लग रहा है साथ में। देखिए बटर कितना मजेदार लग रहा है, वाह। देसी घर का मक्खन लग रहा है ये लोग। हो चुका है ब्रेकफास्ट, अभी देखिए दोनों थोड़ी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, हम निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए बहुत अच्छी जगह थी, ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, चूँकि ब्रेकफास्ट का मतलब मज़ा आया ब्रेकफास्ट करके। तो पेट में कुछ चला गया। चलो श्रेष्ठ, नहीं चलो प्लीज। जयपुर से 79 किलोमीटर दूर है, और मैं आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाला था कि जो रोड है ना, अभी हमने देखा बहुत सारे यहाँ पे काव घूम रही हैं, मतलब लोकल जो गायें होती हैं वो घूम रही हैं। बट वेरी डेंजरस कि हाईवे पे इस तरह से गायें वगैरह घूमती हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, वो देखिए गायें वहाँ बैठी हुई है, वो देखिए। अभी कुछ दिन हमने पहले देखा था कि विकास दयाल भी क्या कहते हैं अपना वहीं से आ रहा था, और उसका गाँव के मतलब सामने आने से बीच में एक्सीडेंट हो गया, वो देखिए वहाँ बैठे हुए। कैमरा मैन प्लीज़ आप दिखाइए वहाँ पे। ये देखिए हाईवे के बीच में ऐसे ही गायें बैठी हुई हैं, आप स्पीड में आ रहे हो, ये देखिए भाई। तो मैंने तो अपनी क्या कर ली, गाड़ी का लेन मैंने अब बीच वाली लेन में कर लिया है, जिससे कि भैया कभी भी गायें कहीं से भी आ सकती है। स्लो चला रहा हूँ, और स्लो चलाइए, सेफ रहिए, क्योंकि पता नहीं ये लोग कहीं से भी मूव करके इधर उधर आ सकते हैं। और एक कार वाले भी ना ऐसे से सांपों की तरह चला रहे हैं। तो हाईवे पे हमेशा कोशिश करें कि आप सेफ चलाएं गाड़ी को, और हम लोग बस 10:30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे जयपुर।
ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर हो गया जयपुर के अंदर। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आया उसका मेट्रो स्टेशन। और पापा ये इतना टाइम क्यों दिखा रहे हैं यहाँ से 14 मिनट 13 मिनट, जबकि सिर्फ 6 किलोमीटर का रास्ता है। इसलिए तो ये हम लोग जो पहुंच चुके हैं ये है आशियाना मानसरोवर का मेट्रो स्टेशन, और हमारा जो होटल है वो भी मानसरोवर में ही है। सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं होटल में जाएंगे, चेक इन करेंगे और देखते हैं फिर उसके आगे। सो गाइस हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है और अभी हम लोग थोड़ा आराम करेंगे और फिर उठते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान करना है, कहाँ जाना है। वैसे दो चार यहाँ पे आज हम सोच रहे हैं कि हवा महल जाएं और आमेर फोर्ट जाएं, जंतर मंतर देखें, तो देखते हैं कैसे प्लान बनता है। तो ये जो भी यहाँ का लोकल जो टूरिस्ट स्पॉट है ये आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में नजर आएगा। आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं आपको अपने नए धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।